देख रहे हैं अब तक के मुख्य समाचार। चीनी कंपनियों के साथ होल्ड पर रखे 5000 करोड़ के करार को महाराष्ट्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी। एमएनएस की धमकी पर टी सीरीज ने पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम का गाना यूट्यूब से हटाया और माफी भी मांगी। दिल्ली की एक सोसाइटी में अपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर बनाया सोसाइटी में आइसोलेशन सेंटर। चीन ने भारत पर किया साइबर अटैक, इंडियन साइबर स्पेस में 40,000 से भी ज्यादा बार हमले हुए। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए कैट ने मुकेश अंबानी, रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों से सहयोग मांगा। यूपी के लखनऊ, वाराणसी और नोएडा के बाद अब कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का शुक्रिया अदा किया। कैबिनेट बैठक में कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व में शामिल किया गया। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में जमीनी स्तर पर समीक्षा की और सेना प्रमुख ने सैनिकों के उच्च मनोबल की भी प्रशंसा की। टिड्डियों के हमले को नियंत्रित करने के लिए भारत ने ब्रिटेन से मंगवाई विशेष मशीन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 9 जिलों में 21 जगह पर टिड्डियों पर नियंत्रण का कार्य किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया और कहा, मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बल का एक त्रिकोणीय दल ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। गुजरात के सारंद में डायपर बनाने वाली कंपनी में आग लगी और आसपास की कई कंपनियों को खाली कराया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये मैसेज जारी किया कि घर पर बने हुए मास्क को पुनः यूज करने से पहले उसको धुल लें और इस तरह से दो मास्क बनाकर रखें ताकि बारी बारी से उपयोग करते रहें। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे ब्यूरो सदस्य देवव्रत बोस के साथ मैं हूँ रचना। देखते रहिए इन समाचार। जय हिंद।